न्यू फैमिली मेंबर। सैटरडे था, शाम हो चुकी थी। गट्टू चिंकी हॉल में अपने खिलौने बिखार कर खेल रहे थे। खेल कम और मस्ती ज्यादा हो रही थी। मम्मी देखो ना, इसने मेरे डॉल की आंख निकाली। मम्मी हॉल में आई और फर्श पर बिखरे पड़े खिलौने देखकर गुस्सा हो गई। गट्टू चिंकी बहुत हो चुकी मस्ती, तुम्हारा ये दुकान समेटो और किताबें निकालो, पापा के आने का समय हो गया है। मम्मी बस 5 मिनट और। तुम दोनों मेरी सुनते कहाँ हो? ऐसा कहकर नाराज मम्मी किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। चिंकी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने पापा खड़े थे। हाय पापा, आज आपने देर कर दी। लेकिन पापा का ध्यान चिंकी की तरफ नहीं था, वो तो बाहर किसी को आवाज लगा रहे थे। अरे भाई, अब आप ही जाओ, इतना क्या शर्माना, चलो आओ, दूध पीना है कि नहीं? पापा की बात सुनकर चिंकी कंफ्यूज हो गई। पापा आप किसे आवाज लगा रहे हो? वो डर जाएगा, सोसाइटी में नया है ना, चिंकी आवाज नीचे करते हुए बोली। पापा कौन डर जाएगा? अरे वही, उसका नाम नहीं है अभी तक तो नहीं है, पर हम उसे नाम भी दे देंगे। पापा आप क्या कह रहे हो, साफ साफ बोलो ना, कौन आया है आपके साथ? अरे एक नया मेहमान आया है जिसे देखकर तुम लोग नाचने लगोगे। अरे भाई आ जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा। तभी गट्टू चिंकी के पास आकर खड़ा हो गया और बाहर खड़े पापा को देखकर बोला। पापा आप बाहर क्यों खड़े हो और बाहर किससे बात कर रहे हो? अरे भाई लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, आ जाओ, नहीं तो मैं दरवाजा बंद करके अंदर चला जाऊंगा, फिर वापस तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। इस प्रकार गट्टू चिंकी कुछ कहते उससे पहले ही कुत्ते का एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा दुम हिलाता हुआ पापा की तरफ भागा और पापा के पैर चाटने लगा। कुत्ते का छोटा सा प्यारा सा बच्चा देखकर तो गट्टू चिंकी के होश ही उड़ गए और दोनों एकदम से चीख पड़े। पापी! तुम्हारी मम्मी सुनेगी तो बवाल हो जाएगा। पापा क्या ये पप्पी हमारे साथ हमारे घर में रहने वाला है? हाँ, अब ये हमारा नया फैमिली मेंबर है। लेकिन आपको ये इतना प्यारा सा पप्पी मिला कहाँ से? सोसाइटी के बाहर मिला मुझे, ये मेरे पीछे पीछे आने लगा, मैंने भगाया फिर भी नहीं माना, फिर मेरा पीछा करता ही रहा, फिर मेरा भी इस पर दिल आ गया और मैं इसे घर ले आया। पता है बचपन में मैं कुत्ता पालना चाहता था लेकिन मेरी मम्मी कभी नहीं मानी, लेकिन आज ये कुत्ता पाल कर मैं अपनी अधूरी ख्वाहिश पूरी करूँगा। ये सुनकर गट्टू नाराज होकर बोला। आपकी मम्मी नहीं मानी, वैसे ही हमारी मम्मी भी तो नहीं मानेंगी, आपको पता है ना मम्मी को तो कुत्तों के नाम से भी एलर्जी है। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, चिंकी तुम जाओ और इसके लिए दूध लेकर आओ, पर ध्यान रहे मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। चिंकी तेजी से किचन में भागी तो वहाँ पर मम्मी थी। पापा आ गए? हाँ आ गए। तो जाओ जल्दी से उनके लिए पानी लेकर जाओ। पापा को पानी नहीं दूध चाहिए। दूध? आज अचानक से दूध? हाँ ठंडा दूध, पापा को थोड़ी एसिडिटी हो गई है। तुम जाओ मैं लेकर आती हूँ। ये सुनकर चिंकी डर गई। नहीं मम्मी आप अपना काम करो, मैं लेकर जाती हूँ। ऐसा कहकर चिंकी ने एक छोटे से बाउल में ठंडा दूध लिया। पापा बाउल में दूध पियेंगे, ग्लास में लेकर जाओ। नहीं पापा को बाउल में ही चाहिए। चिंकी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, चुपचाप ग्लास में दूध भर कर ले जाओ। नहीं बाउल ठीक है। तुम रहने दो मैं लेकर जाती हूँ। नहीं नहीं मम्मी ग्लास ही ठीक है। बेचारी चिंकी ग्लास भर ठंडा दूध हॉल में लेकर गई और पापा ग्लास से पप्पी को दूध पिलाने लगे। ग्लास में दूध पीना पप्पी को मुश्किल हो गया था। चिंकी बाउल ले आती ना, ग्लास से नहीं पी पा रहा ये। सॉरी पापा मम्मी नहीं मानी। तभी अचानक पप्पी ने पापा के हाथ को झटका दिया और दूध का ग्लास फिसल कर गिर गया और टूटकर कांच के साथ साथ सारा दूध फर्श पर बिखर गया। यह देखकर सबने माथा पीट लिया, जो होना था वही हुआ। आवाज सुनकर मम्मी आई और सारा नजारा देखकर एकदम से बरस पड़ी। तभी मैं सोचूं आपको बाउल में दूध क्यों पीना है, चिंकी मुझे हॉल में क्यों नहीं आने देना चाहती? 10 मिनट का वक्त है आपके पास, इसे लाए हो तो बाउल में दूध पिलाओ और जहाँ से लाए हो वहीं वापस छोड़कर आओ। ये सुनकर गट्टू चिंकी रोते हुए गिड़गिड़ाने लगे।
मम्मी प्लीज रहने दो ना, कितना प्यारा पप्पी है। मम्मी प्लीज, आप जो कहोगे हम करेंगे, पर प्लीज पप्पी को एडजस्ट कर लो। तुम्हारे रोने का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, आपको पता है ना मुझे कुत्ते पसंद नहीं। पर हमें तो पसंद है, तुम चिंता मत करो, इसका हम सब कुछ कर लेंगे, खाना पीना नहाना धोना सब कुछ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये पप्पी कहीं नहीं जाएगा। ओह ऐसी बात है, तो डिस्कशन ही खत्म। आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं भला कौन होती हूँ। ऐसा कहकर मम्मी किचन में चली गई। गट्टू चिंकी अभी भी नाराज खड़े थे। अरे चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी का गुस्सा ज्यादा देर नहीं टिकता, ये पप्पी भी कितना प्यारा है, देखना एक ना एक दिन ये तुम्हारे मम्मी को इम्प्रेस करके ही रहेगा। बिल्कुल सच कहा पापा, बहुत प्यारा है ये, लेकिन हम इसे ये वो कहकर क्यों बुला रहे हैं, इसका कोई अच्छा सा नाम क्यों ना दे दें। हाँ टॉमी कैसा रहेगा, ये बहुत कॉमन है, टाइगर रखते हैं। तभी पापा एकदम से बोले, मैजिक, इसका नाम हम मैजिक रखते हैं। ये नाम सुनकर गट्टू चिंकी इम्प्रेस हो गए। वाओ पापा मैजिक, एकदम डिफरेंट नाम है ना मैजिक। पप्पी भी सॉरी मैजिक भी भो भो करते हुए सहमति दर्शाने लगा। गट्टू चिंकी भागने लगे और मैजिक दुम हिलाता हुआ उनके पीछे भागते हुए मस्ती करने लगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।